नमस्कार, मैं गोविंद जोशी, आप लोग देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। महेंद्र सिंह धोनी ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ क्या अपना आखिरी मुकाबला खेल लिया है और क्या एमएस धोनी अब इसके बाद हमें आईपीएल में दोबारा खेलते हुए दिखेंगे, ये तमाम जो सवाल हैं ये सीएसके के उन तमाम फैंस को एकदम अभी सवार होंगे, उनके सिर पर सवार होंगे कि क्या एमएस धोनी अभी दोबारा खेलते हुए दिख सकते हैं हमें, या फिर क्या एमएस धोनी अपना फाइनल जो आखिरी मुकाबला था वो आरसीबी के खिलाफ खेल चुके हैं। अब इसको लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी जो है सीएसके के मैनेजमेंट के एक अधिकारी ने बताई है, जिन्होंने बोला है एक इंटरव्यू में कि एमएस धोनी जो है अभी रिटायरमेंट को लेकर उनका कोई ऑफिशियली मैसेज नहीं आया है। हालांकि एमएस धोनी संडे को वापस चले गए थे रांची और उन्होंने सीएसके मैनेजमेंट को ऐसा कुछ नहीं बताया रिटायरमेंट को लेकर, लेकिन एक जो बड़ी जानकारी आ रही है वो ये है कि एमएस धोनी ने ये जरूर कहा है कि जो फाइनल कॉल वो लेंगे अब से कुछ महीनों में वो फाइनल कॉल ले सकते हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने तब तक के लिए वेट करने को कहा है। तो यानी हम ये तो कह सकते हैं कि एमएस धोनी मेगा ऑक्शन से पहले कुछ बड़ी अपडेट दे सकते हैं, यानी फैंस जो हैं अभी उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ये जो बड़ी अपडेट आई है वो तो ऐसा ही संकेत दे रही है कि एमएस धोनी अभी इतनी जल्दी निर्णय नहीं लेंगे, अगर वो आगे खेलेंगे या फिर अगर वो रिटायरमेंट लेंगे तो फिर वो मेगा ऑक्शन से पहले ही हो सकता है, ऐसा जो कयास था वो क्रिकेट पंडित भी लगा रहे थे। लेकिन अब ये जो जानकारी है वो सीएसके की तरफ से आधिकारिक तौर पर एक इंटरव्यू में बताई उनके मैनेजमेंट की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि एमएस धोनी ने वक्त मांगा है और अब देखते हैं कि एमएस धोनी किस तरीके से निर्णय लेते हैं। बात करें एमएस धोनी की तो एमएस धोनी ने अपना आखिरी मुकाबला जो है वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ खेला, जिसमें 25 रनों की वो शानदार पारी खेली, आखिरी ओवर की पहली गेंद पर वो गगनचुंबी छक्का भी लगाया। फैंस का ये भी मानना है कि एमएस धोनी का हो सकता है वो आखिरी छक्का था और बहुत इम्पैक्टफुल छक्का था वो, उस छक्के को लेकर अपनी अपनी तमाम टिप्पणियां हैं, जिसमें कई लोगों का मानना है कि वो 110 मीटर का जो छक्का था उसके चक्कर में सीएसके हार गई, जिसमें दिनेश कार्तिक का भी हमने बयान सुना। इसके अलावा कई तमाम दिग्गजों ने कहा कि वो छक्का जैसे ही मैदान के बाहर गया उसके बाद गेम की सिचुएशन एकदम से चेंज हुई, जिसके बाद बॉल पर हिट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ और एमएस धोनी कहीं ना कहीं उसके बाद फंसे भी, और उसके बाद ओवर में काफ़ी अच्छी वापसी की यश दयाल ने, जिसके बाद 5 गेंदों पर मात्र 1 रन दिया और 1 विकेट भी लिया। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो एक गेम टर्निंग मोमेंट हो सकता था। एमएस धोनी की बात करें तो एमएस धोनी का वो आखिरी मुकाबला था, एमएस धोनी अगर वहाँ जीतते तो फिर प्लेऑफ में खेलते और चेन्नई में ट्रॉफी जीतना अपने होम क्राउड के सामने कहीं ना कहीं एक जो सपना था वो अधूरा ही रह गया, क्योंकि चेन्नई में इस बार फाइनल होना था और हमने पिछले सीजन भी देखा था कि एमएस धोनी ने कहा था कि मैं अपने फैंस के लिए एक सीजन और खेलूंगा और कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि सीएसके का जो क्राउड है उसके सामने वो ट्रॉफी जीते आईपीएल की, लेकिन वो सपना अब सपना ही रह गया। अब देखना होगा एमएस धोनी किस तरीके से निर्णय लेते हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।